हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बोध संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक बाबा रामदेव, सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और योग प्रशिक्षु उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान पतंजलि योग पीठ के विद्यार्थियों ने योग पर आधारित अद्भुत प्रस्तुति दी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री चौहान ने बताया कि कोविड 19 के समय योग से निरोग करने का अभियान मध्य प्रदेश में चलाया और 2.5 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया। कहा गया शरीर माध्यम फल धर्म साधना, शरीर चाहिए लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए, वो योग के माध्यम से हो सकता है। केवल शरीर नहीं, मन और बुद्धि बाकी सुख एक साथ मध्य प्रदेश योग की दृष्टि से कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प के लिए पंजीकरण का शुभारंभ एवं वेबसाइट का लोकार्पण करने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के साथ सूर्य नमस्कार भी किया। संपूर्ण विश्व से आज हजारों लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये आज शुभारंभ हो रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा सूर्य नमस्कार का। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में।